अब स्थिति डरावनी होने लग गई है। हमें नहीं पता कि कोरोना वायरस कितनों की जान लेगा, पर कल जो तस्वीर हमने देखी वह हृदय विदारक थी। कल एक साथ एक हॉस्पिटल से 3-3 कोविड-19 मरीज की लाश निकल रही थी। सभी की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई थी, यह स्पष्ट था। लेकिन इससे पहले की जो कहानी थी वो दिल दहला देने वाली थी। कोई बेटा एक दिन पहले अपने पिता को खोता है और एक दिन बाद अपनी माँ को। घड़ी की सुइयां घूमकर पुराने जगहों पर भी नहीं आती कि बाप के अर्थी को कंधा देने वाला बेटा माँ के अर्थी को कंधा देने के लिए आ जाता है। ये सब कुछ कल गोड्डा में के एक निजी अस्पताल में हो रहा होता है, जहाँ एक युवक ने कल अपने पिता को खोया था और आज उसकी माँ की अर्थी अस्पताल से निकल रही। पिछले एक सप्ताह पहले उसने अपनी माँ और बाबूजी को अस्पताल में एडमिट कराया था। इस दरमियान लाखों रुपए खर्च हो गए। इसके बाद भी वह अपने माँ और पिताजी को नहीं बचा पाया था। अनाथ बच्चा अस्पताल में अकेला था। मौत के बाद उसके पास 4 लोग भी नहीं थे कि सबको कंधा दिया जाए, और जिला प्रशासन से गुहार के बाद सबको मुक्ति धाम पहुंचवाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। दिन भी नहीं गुजरा और लड़का अनाथ हो गया। इस सबको मुक्ति धाम पहुंचने के बाद सब वाहन एक बार फिर से अस्पताल के बाहर आ जाती है और एक बार फिर से एक और वृद्ध का सब अस्पताल से बाहर निकलता है। फिर से वही काले कपड़े में लपेटा हुआ, बैगों के अंदर बंधा हुआ वृद्ध का सब मोक्ष वाहन पर चढ़ाया जाता है। जिला डॉप ने वृद्ध के बेटे से जब खास बातचीत की तो उन्होंने बताया कि करीबन 7 दिन पहले पिताजी की हालत खराब थी, इलाज चल रहा था। हर रोज अस्पताल प्रबंधक कह रहे थे कि मरीज कुछ हद तक ठीक है, फिर जरूरत पड़ती है एक इंजेक्शन की, रेमडेसिविर की। डॉक्टर ने परिजनों से कहा कि अगर ये इंजेक्शन अवेलेबल होता है तो उन्हें रिकवर किया जा सकता है, नहीं तो मुश्किल है। पूरे शहर में पता लगाया जाता है कहीं ये इंजेक्शन अवेलेबल नहीं होता है। आसपास के कई शहरों में पता लगाया जाता है पर इंजेक्शन नहीं मिलता है। इनकी माने तो कड़ी मशक्कत के बाद कहीं दूर रह रहे इनके रिश्तेदारों द्वारा इस इंजेक्शन को इन तक पहुंचाया जाता है। 6,000 रुपए पर भौल वाले इस 6 इंजेक्शन की इन्हें जरूरत थी, शायद इन्हें मिल भी जाता है। पर जब तक 2 डोज इन्हें लगाया जाता है, शहर में एक और मौत हो जाती है और एक बार फिर कोई अपना पिता खो जाता है। और फिर वो भी वही बातें कहता है कि हमने लाखों रुपए खर्च कर दिए, 10,000 रुपए हर रोज बेड चार्ज दिए, पर ऑक्सीजन की कमी के कारण उनके पिताजी की मौत हो जाती है। सवाल फिर से वही होता है कि आखिर क्या फायदा लाखों खर्च का, आखिर क्या फायदा कि कई हॉस्पिटल ने बेड उपलब्ध करा दिया है जब मूलभूत सुविधाएं दी ही नहीं जाती है। तो आखिर क्या फायदा है इसका ढिंढोरा पीटने का कि प्राइवेट अस्पताल ने समर्थन देकर बेड मुहैया कराया है। अब वक्त है हमें संभलने का, क्योंकि बाहर शहरों में बेड की कमी है तो हमारे शहरों में बेड होने के बावजूद सुविधा नहीं है। मात्र 100 ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे हमारा शहर इस महामारी से लड़ रहा है। एक बार खुद सोच कर देखिए कि अगर किसी गरीब को कोविड हो जाता है तो क्या वह लाखों खर्च कर अपने मरीजों का इलाज प्राइवेट अस्पताल में करा पाएगा? क्या 6,000 रुपए हर डोज के इंजेक्शन का इंतजाम वो कर पाएगा? और अगर नहीं कर पाएगा इंतजाम तो क्या उस गरीब के मरीज को स्वास्थ्य विभाग मरने के लिए छोड़ देगी? और अगर नहीं मरने के लिए छोड़ेगी तो क्या स्वास्थ्य विभाग के पास इसका इंतजाम है? और अगर इंतजाम है तो ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी से ये मौत क्यों हो रही है? ये एक बड़ा सवाल। बाकी जाते जाते जिला प्रशासन का धन्यवाद जरूर देना चाहेंगे, खासकर सर्कल ऑफिसर प्रदीप शुक्ला का, जो हर रोज इस मौत के मातम के बाद परिजनों का सहारा बनते हैं और अपनी ड्यूटी को तत्परता से निभाते हुए मृत शरीर को अंतिम संस्कार का इंतजाम करते हैं।